नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर की जनता से पूर्ण राज्य का दर्जा छीन लिया और जुमला दिया कि इससे उनके दिन बदल जाएंगे, उनकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, आतंकवाद पर काबू पा लिया जाएगा और राज्य में आर्थिक प्रगति आएगी। लेकिन पांच साल बीत जाने के बाद भी जम्मू कश्मीर की जनता के हालात में रत्ती भर भी सुधार नहीं हुआ, उल्टा उनके हाथ सिर्फ बर्बादी ही लगी है। शिक्षा को लेकर भी मोदी जी ने कई फर्जी बातें की, कहा कि राज्य के बच्चों के एक हाथ में किताब और दूसरे हाथ में लैपटॉप होगा, स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा का स्तर सुधरेगा। लेकिन सच्चाई तो ये है कि नरेंद्र मोदी की ये बातें, ये वादे भी जुमले साबित हुए। शिक्षा में सुधार करने के बजाय मोदी सरकार ने उल्टा जम्मू कश्मीर में 4,400 सरकारी स्कूलें बंद कर दी। शिक्षा तो छात्र जैसे तैसे हासिल कर भी ले, लेकिन रोजगार के लिए वो क्या करें? खुद सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि राज्य में बेरोजगारी दर 28.2% पर पहुंच चुकी है। वहीं सरकारी विभागों में 65% पद खाली हैं, उन पर भर्तियां ही नहीं हो रही। सिर्फ शिक्षा ही नहीं, स्वास्थ्य सुविधाओं में भी नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया है। 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 1,00,000 लोगों पर महज 17 बेड है, जो कि राष्ट्र औसत से बेहद कम है। इसके अलावा राज्य में बिजली 16-16 घंटे गायब रहती है, लोगों को पीने के लिए साफ पानी तक नहीं मिल रहा। साफ है, जम्मू कश्मीर की जनता को नरेंद्र मोदी ने केवल और केवल ठगा है, उनके साथ छल किया है, उसे दिया कुछ भी नहीं। इसीलिए अब राज्य की जनता कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन की सरकार चुनने जा रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में खुशहाली केवल और केवल इंडिया गठबंधन ही वापस ला सकता है।